अद्भुत बात लिखी गई है। बहुत गई थोड़ी रही, जब भी आंख बंद करके देखो तो ये पंक्ति हमारी आंखों के सामने आनी चाहिए। जीवन बहुत सा चला गया, समय बहुत चला गया, शक्ति बहुत चली गई, शरीर बहुत खर्च हो गया, बचा अब बहुत थोड़ा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं हमारे पास। आंख बंद करके देखे, अपने आप को निहारे, अपने आप को देखे, भीतर में जाए, भीतर में जाके अपने आप को देखने की कोशिश करे, चिंतन यात्रा शुरू करे, तो हमें पता चलेगा बहुत गई थोड़ी रही, कितना कुछ चला गया हमारे पास से। शरीर खत्म होने की कगार पर है, आप शांति से बैठ नहीं सकते, शांति से परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते, शांति से धर्म की आराधना नहीं कर सकते। आधा घंटा बैठे ना बैठे आपका शरीर आपको परेशान करता है, शरीर खत्म होने की कगार पर है, क्या बचाए शरीर के क्षेत्र में आपके पास? बिना चेयर आप बैठ नहीं सकते, नीचे बैठना हो तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि नीचे बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। ये कंडीशन आपके शरीर की हो रही है, ये अवस्था आपके शरीर की बन रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आंख बंद करके बैठे, ये सूत्र की चिंतन यात्रा शुरू करें, बहुत गई थोड़ी रही, कितना कुछ चला गया हमारे पास से। जो जीवन का एक एक क्षण कीमती है, जो जीवन की एक एक पल कीमती है, जो जीवन अद्भुत है, जो जीवन बेनमून है, जो जीवन दुर्लभ है, वो जीवन में से कितना कुछ चला गया हमारे पास से, बात गई थोड़ी रही। जब भी कोई घटना घटी तो क्रोध करने का मन हो तो आंखों के सामने ये सूत्र आना चाहिए, बहुत गई थोड़ी रही। अब क्या क्रोध करना, किस लिए करना, किसके ऊपर करना, क्यों खुद का बिगाड़ना? जब ज्यादा एकत्रित करने का मन हो, ज्यादा इकट्ठा करने का मन हो, लोभ करने का मन हो, तब ये सूत्र आंखों के सामने लाना, बहुत गई थोड़ी रही। अब किसके लिए इकट्ठा करना, कितना इकट्ठा करना, कितना कुछ संग्रह कर लिया जीवन में, बिना वजह चीजों को कितना एकत्रित कर लिया, कितना संग्रहित कर लिया, कितना इकट्ठा कर लिया। आपके घर में आप नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कितनी बेकार की चीजें आपके घरों में पड़ी हुई, जिसका आपने 5 साल से कोई उपयोग नहीं किया, जिसका 10 साल से कोई उपयोग नहीं किया, जिसका 15 साल से कोई उपयोग नहीं किया, फिर भी संभाले रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है कि नहीं कभी काम आ जाएगी, कब काम आएगी। जब भी क्रोध की भावना भीतर में उठे तो याद कीजिए, बहुत गई थोड़ी रही। जब भी काम वासना भीतर से उठे, कोई पर स्त्री को देखकर भीतर में काम वासना उठे, कोई पर पुरुष को देखकर भीतर में काम वासना उठे, तो यह सूत्र याद कीजिए, बहुत गई थोड़ी रही। क्यों अब कर्म मानने, क्या करना, कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे? जब भी लोभ की भावना भीतर में जागृत हो, यह सूत्र याद करना, बहुत गई थोड़ी रही। जब किसी का बिगाड़ने का मन भीतर में जाग जाए, मन बन जाए कि नहीं मुझे इसे बर्बाद कर देना है, इसका बिगाड़ना है, इसको मारना है, इसको लूटना है, इसको खत्म करना है, इसको सुना देना है, तब यह सूत्र भीतर में जागृत करना, बहुत गई थोड़ी रही। हमारे चित्त में, हमारे रोम रोम में ये सूत्र व्याप्त हो जाना चाहिए, बहुत गई थोड़ी रही। क्या बचा क्या हमारे पास? शरीर हमने वेस्ट खर्च कर दिया, समय हमने वेस्ट खर्च कर दिया, जीवन को हमने वेस्ट खर्च कर दिया, अब बचा क्या? साल निकल गए, अब तो पता नहीं कितना समय हमारे पास है। इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि समझ लेना कितना बीत गया ये आप जान सकते हो, कितना बिताना है ये आपके पास जानने की कोई ताकत नहीं। और कितना समय बिताना है ये जीवन में, ये मनुष्य भव में कितना बिता रहा है, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सूत्र दिमाग में बिठा लेना, बहुत गई, बहुत गई, बहुत गई थोड़ी रही। ऐसा जरूरी नहीं कि 80 साल वाला ही जाएगा, ये मनुष्य जीवन है, यहां 8 साल वाला भी पहले चला जाए कोई पता नहीं चलता। मैं आपको कहना चाहता हूं जीवन में समझ लेना, ये संसार में हर जगह पर सीनियर और जूनियर का क्रम चलता है, सीनियर हमेशा ऊपर होता है, जूनियर हमेशा नीचे होता है। यह संसार में हर जगह पर सीनियर और जूनियर का क्रम चलता है, सीनियर और जूनियर की व्यवस्था है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं एक मौत में एक रोग में, ये 2 जगह पर सीनियर जूनियर की कोई व्यवस्था नहीं। यह जरूरी नहीं कि सीनियर का ही नंबर लगेगा, जूनियर का भी नंबर लग सकता है। रोग जरूरी नहीं कि सीनियर को ही आएगा, जूनियर को भी आ सकता है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब भी जीवन में व्याधि आवे, पीड़ा आवे, वेदना आवे, एक ही सूत्र याद कीजिए, बहुत गई थोड़ी रही। अब निकल गया दुख, अब बहुत कम बचा है,
ये सूत्र ऐसा है समझना, आपको सुख में भी जगा सकता है और आपको दुख में भी जगा सकता है। ये ताकत ये सूत्र की है, आपको क्रोध से भी अटका सकता है और आपके भीतर में एक क्षमा का भाव भी प्रगटा सकता है। ये ताकत ये सूत्र के भीतर है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में ये सूत्र गूंज लीजिए, अपने हृदय में बिठा लीजिए, अपने रोम रोम में व्याप्त कर लीजिए। बहुत गई, बहुत गई। छोटी उम्र वाले ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत समय है, कब किसका नंबर लग जाए पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में जागृत होके जीवन जीना है। बहुत कुछ कर लिया आप, 99 तक पहुंच गए, 1% की कमी रह गई है, बस वो 1% परिपूर्ण हो जाए, जीवन आपका अद्भुतता बन जाए, जीवन आपका अद्भुत बन जाए, जीवन अद्भुतता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, लेकिन वो 1% के लिए हम चूक रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में बार बार ये सूत्र दोहराते रहे, बहुत गई, बहुत गई। बोलोगे तो याद रहेगा, बहुत गई। आज के दिन इतना काम कर लेना, कल सुबह तक 24 घंटे के भीतर जब भी कोई घटना ऐसी आंखों के सामने आवे, जब भी कोई विकार खड़ा हो, जब भी कोई क्रोध करने का भाव खड़ा हो, जब भी काम वासना की भावना खड़ी हो, एक सूत्र हृदय में बिठा देना, एक सूत्र मन में ला देना, बहुत गई थोड़ी रही, अब क्या करना, क्यों करना, किस लिए करना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।